पे पॉजिटिव्स तो हैं ही और शाइन लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना रीओपनिंग का बेनिफिशियरी है, हम देख रहे हैं डिमांड, इंफ्रा डिमांड भी बढ़ रही है और ताज़ा खबर है कि शार्प अपटिक है स्टील, हॉट रोल्ड कोल्ड प्राइसेस में। मेटल में कहाँ, कौन से शेयरों पर आपकी नज़र है? देखिए, मैं फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर ये जो स्ट्रक्चर है बाजार का, ये जो नेचर है मार्केट्स का, ये भाव आज जो बन गए, जिस तरह की बेतहाशा रैली स्टील स्टॉक्स में हो गई, खासकर जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में, तो इस माहौल को जस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी भाव बन चुके हैं। हम स्टील के सारे स्टॉक्स में सेल सिग्नल के इंतजार में है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको आप कल ही बेच दीजिए, हमें लेना नहीं, जो होना था हमें लगता है बेस्ट से बेस्ट हो चुका है। जब सेल का सिग्नल आ जाएगा तो हम बेचेंगे। बाकी के बजे वेदांता में बहुत ज्यादा नॉइज है बाकी मेटल्स में, और आपका हिंडालको भी थोड़ा सा नॉइजीली रिसड़ रहा है ऊपर। मेटल्स में इस वक्त जो हमें चार्ट कंफर्टेबल लगती है, एनएमडीसी की चार्ट को छोड़कर, वो भी ट्रेडिंग नहीं, आप 4-6 महीने के व्यू से उसे पकड़ के बैठिए। और बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर बस इंतजार कर रहा है कि अच्छी खबरों और अच्छे माहौल के बाद अचानक से ऐसा क्या आएगा कि मेटल सेक्टर बहुत बड़ा करेक्शन दे सकते हैं, मेटल सेक्टर के जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं। ठीक सुशील सर, इसके अलावा मेटल्स के अलावा कहीं और आपने ज्यादा ध्यान दिया हो, ज्यादा फोकस किया हो, कोई ऐसा बहुत सारे, या कोई ऐसा सेगमेंट, कोई थीम मार्केट की? बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने आपको और काफी स्टॉक्स भी छाट करके लिस्ट भेजी है। अगर इस वक्त कोई प्री बजट रैली खेलने लायक सेक्टर लगता है, जो कि बजट के बाद भी बड़ा सस्टेन हो जाए, मैं गेस नहीं करना चाहता कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री क्या करेंगी, बट मार्केट जिस तरफ पोजिशन लग रहा है, कंज्यूमर स्टोरी मुझे लगता है अगले 6 महीने के लिए ऑलरेडी अब यहां से बॉटम बनाकर अच्छी खासी तेजी का रुख बना रही है। और ये एफएमसीजी कंज्यूमर स्टॉक्स में बहुत सारे टाइप के मिनी सेक्टर्स भी हैं, तो ये वोल्टास और वर्लपूल एक तरफ मुझे लगते हैं कि वेट कर रहे हैं, कुछ समय में आ जाना चाहिए बाई सिग्नल, बहुत करीब है हम उसके कि हो सकता है यहां से इतने बड़े भाव इनके बन जाए यहाँ पे अगले 4-6 महीने में कि आज वो भाव की बात करना थोड़ा आश्चर्य का कारण लगेगा। तो 40-50% तक की मैं बाउंस देख रहा हूं वहां। जुबिलेंट फूड वर्क्स चार्ट के हिसाब से दे चुका है ब्रेकआउट और इसमें भी तकरीबन 40-50% की मूव। डिक्सन, आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी में, चाहे आप टाटा कंज्यूमर ही ले लीजिए, इनका सबका करेक्शन लंबे समय से जो हो चुका है और एक एक करके इस सेक्टर में अब बार बार अलग अलग बाइज ही बनेंगे। हो सकता है बजट के बाद या तो पूरा ओवरऑल मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पकड़ेगा तो भी सेफ हेवन बाइंग आ जाएगी, या वो कंज्यूमर स्टोरी चलेगी तो एक कंज्यूमर्स हो गया। और दूसरा ऑयल एंड गैस में जो हम लगातार आपके साथ पिछले 3-4 महीने बने हुए थे कि 2023 की ये स्टोरी बन सकती है, एक बड़ा अच्छा मूव अक्रॉस द बोर्ड हो गया। अब एक बहुत स्मॉल रियलिस्टिक 10-12 दिन का मैक्सिमम करेक्शन लगता है और उसके बाद मुझे धुआंधार चाल वापस आके ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में भी लगती है। मे बी रिफाइनरीज कैन बिकम द स्टोरी ऑफ 2023 प्योरली चार्टिकली स्पीकिंग। और उसमें चूंकि सबसे ज्यादा हाई बीटा आपके MRPL कोचिन चेन्नई पेट्रो हैं तो वो सबसे ज्यादा उछलेंगे, हो सकता है डबल डबल भी हो जाए। और IT लार्ज कैप्स एज ऑफ नाउ इन टू द बजट आई एम सीइंग करेक्शन इन द लार्ज कैप नेम्स एक्सेप्ट HCL टेक। बिरला सॉफ्ट, जिसमें हमारा साल भर का डबल होने का व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, हर पुलबैक में से हम और लेंगे। और फार्मा में देखिए जो लार्ज कैप्स है ना, जो आपके सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, वो लगता है निफ्टी के साथ 18-20% तक इन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। बट कुछ चंद फार्मा के जो छोटे स्टॉक्स हैं, और डीवी जिसका हमने 5000 से रुक लिया हुआ है, 5000 के भाव से कि 2000 तक जाएंगे, वो हर रैली में सेल है, वो स्टॉक एक अलग ही साइकिल में चल रहा है। और बाकी के जैसे कुछ छोटे स्टॉक्स जैसे लॉरस, शिल्पा मेड केयर, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, इन सब में बड़े बॉटम बनने के सूचक तैयार होने लगे, किसी भी टाइम में बड़ा बाई ट्रिगर हो सकता है।